आमंड्स यानी बादाम के कितने सारे फायदे हैं हमारी सेहत के लिए तो हम सब जानते हैं। कहते हैं एक ऐसा सुपर फूड होता है बादाम जिसे हमें खाना बहुत जरूरी होता है, फिर चाहे छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो या फिर एक वयस्क क्यों ना हो जो कि पूरी तरीके से हेल्दी है, अगर वो बादाम खाता है तो शरीर में बहुत सारे फायदे होते हैं। लेकिन एक और डिबेट साथ में चलती रहती है कि बादाम को भिगो के खाया जाए या फिर बादाम को सूखा खाया जाए। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करने जाएंगे ना तो आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी, अलग अलग तरीके के उसमें एक्सप्लेनेशन होंगे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए आपको फैक्ट से रूबरू करा देते हैं और ये बताते हैं कि भिगोया हुआ बादाम ड्राई बादाम से क्यों बेहतर होता है। बादाम एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं और विटामिन ई की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। खासतौर से सर्दियों में इसको खाते हैं ताकि हमारी बॉडी में अंदर से गर्माहट हो और सर्दी जुकाम का हम पे कम से कम असर हो सके। लेकिन भिगोए हुए बादाम के खाने के जो फायदे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आप आयुर्वेदा को मानते हैं तो आयुर्वेदा का ये कहना है कि जब हम बादाम भिगो के और उसको छील के खाते हैं तो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और अगर हम बिना भिगोए हुए खाते हैं और छिलके के सहित खाते हैं तो हमारे रक्त में वो पित्त की मात्रा को बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम लेमन भाषा में बात करें तो इसके फायदे ऐसे हैं कि जब हम बादाम को भिगोते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छी तरीके से हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं और हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो छिलका होता है वो कहीं ना कहीं डाइजेशन में थोड़ा सा फर्क ज़रूर डाल देता है। खासतौर से जो छोटे बच्चे खाते हैं बादाम तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता, उनके लिए भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए छिलके का बार बार चबा पाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में अगर बादाम को भिगो के खाया जाए तो वो बहुत ही ज्यादा फायदे देते हैं। अच्छा, बादाम को भिगोने के भी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो सबसे परफेक्ट तरीका है वो ये है, आप रात को एक व्यक्ति के हिसाब से 5 बादाम को भिगो दें। अगर आप थोड़े से गुनगुने पानी में बादाम को भिगोते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप सुबह उठते हैं बादाम को अच्छी तरीके से छीलिए, उसको पोंछ दीजिए और तुरंत ही उसका सेवन कर लीजिए, क्योंकि सोक्ड बादाम जो हैं वो छीलने के बाद ज़्यादा देर तक रखने नहीं चाहिए, तो उसका सेवन आपको इस तरीके से करना है। तो 100 बात की एक बात यह है कि आपको भिगोए हुए बादाम ही खाने चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट को एक्टिवेट करता है, इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं जो मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम इसमें होता है वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। तो कुल मिला के इसको अपने डाइट में आज से ही शामिल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसको खाना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ट्रेंड्स 9 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।